हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने सवाल उठाया है कि अगर सरकार कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर एफआईआर कर सकती है तो यज्ञ में शामिल सीएम जयराम ठाकुर सहित सभी नेताओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। लोगों की मांग को लेकर चिंता जाहिर की, हम लोगों ने प्रदर्शन किया, हम लोगों पे मामले बने। खैर, हम इन मामलों से डरने वाले नहीं है। जनता के हित के लिए अगर हमको जेलों में भी जाना पड़े उसके लिए भी हम तैयार है। लेकिन हमारा ये कहना है कि जो नियम कायदे हैं वो मापदंड एक से होने चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे भी लागू होने चाहिए, कांग्रेस के लोगों पे भी लागू होने चाहिए। अब हम पे तो मामला बनता है, लेकिन जिस ढंग से इस कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जो है उड़ाई गई, तो क्या पुलिस ने कार्रवाई की, हम ये पूछना चाहते हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान कुलदीप ने कहा कि पहले थाली ताली से कोरोना भगाने का टोटका सुझाया गया, अब यज्ञ से कोरोना को दूर करने जैसे सरकार के गलत कदमों से ही कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ये जो कोरोना है ये थाली और ताली से भागने वाला नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने जो यज्ञ किया कोरोना भगाने के लिए, अच्छा होता ये यज्ञ भारतीय जनता पार्टी के जो हुक्मरान है चाहे केंद्र में हो या हिमाचल में हो उनकी सद्बुद्धि के लिए किया जाता है। क्योंकि जिस ढंग से, जिस लापरवाही से केंद्र सरकार और हिमाचल सरकार पेश आ रही है, आज मामले लाखों में पहुंच गए और दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। कुलदीप राठौर ने कहा कि देश में कोरोना कम्युनिटी स्प्रेड की ओर तेजी से बढ़ रहा है। पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने थाली व ताली बजाकर कोरोना को भगाने की बात कही, अब यज्ञ कर देवी देवताओं के नाम पर हिमाचल से कोरोना भगाने की राजनीति की जा रही है। जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उन पर काबू पाने व कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने के बजाय जयराम सरकार देवी देवताओं के नाम राजनीति कर रही है। और अब तो कम्युनिटी स्प्रेड का जो है खतरा पैदा हो गया। सरकार ने शुरू से ही इस महामारी को गंभीरता से नहीं लिया और उसका जो दुष्परिणाम है वो अब सामने आया। और जहाँ तक इस यज्ञ की बात है, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब कांग्रेस पार्टी ने लोगों की मांग को लेकर चिंता जाहिर की, हम लोगों ने प्रदर्शन किया, हम लोगों पे मामले बने। खैर, हम इन मामलों से डरने वाले नहीं हैं। जनता के हित के लिए अगर हमको जेलों में भी जाना पड़े उसके लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि जो नियम कायदे हैं वो मापदंड एक से होने चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे भी लागू होने चाहिए, कांग्रेस के लोगों पे भी लागू होने चाहिए। अब हम पे तो मामला बनता है, लेकिन जिस ढंग से इस कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जो है उड़ाई गई, तो क्या पुलिस ने कार्रवाई की। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।